बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम के व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं पढ़ रही थी फजर की नमाज़। तो अभी नमाज़ में थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा सा पारा पढ़ लूँ, क्योंकि इस वक्त बज रहे थे 5:30 पौने 6 का ही टाइम हो रहा था। बस होने वाली थी क्योंकि अजानें 6:15 बजे तक होती हैं, तो आँख खुल गई थी तो मैंने कहा चलो उठ के नमाज़ वगैरह पढ़े। तो बच्चे यहाँ पे अभी सो रहे थे और यहाँ पे ये देखें अभी सारा सामान रखा हुआ है सोलर सिस्टम का, तो बस मुझे आज इंशाल्लाह ताला लगवाना है। तो आगे है वो, तो मैं लाजमी आज जो है इसकी जो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ अभी इसी में मैं आपको शेयर करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैं आ गई थी किचन में और सफाई वगैरह मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी, तो मैं आज बना रही थी आलू की तहरी। तो यहाँ पे ये आलू थे और इसके अलावा जो था मैंने आलू कट कर लिए थे, बस यहाँ पर चूल्हे वगैरह की सफाई करनी थी, बर्तन भी धुल चुके थे मेरे सारे, तो मतलब थोड़े बहुत थे बर्तन चाय वगैरह के, तो मैंने फटाफट धो लिए थे। और अब जो था मैं यहाँ पर बनाऊँगी, क्योंकि साफ़ हो जाता है ना किचन, तो फिर होता है कि आराम से जो है आप जो भी पकाना है आराम से पक सकता है। फिर वो गंद होती है तो उसमें सफाई में काम भी नहीं होता और फैलावा अलग लगता है सबसे ज़्यादा, तो इससे होता है कि सिमट जाता है आपका किचन वगैरह, फिर आप इजीली आप इसमें पका लें। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़ी सी प्याज है इसको गोल्डन ब्राउन कर ली थी और इसमें मैंने सारा गर्म मसाला वगैरह ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पर मैंने डाली थी पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी पाउडर और इसके अलावा गरम मसाला वगैरह इसमें ऐड कर दें, दालचीनी वगैरह जैसे कि हम लोग डालते हैं वो इसमें ऐड करी थी। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी आलू, इसके साथ ही डाल दूँगी टमाटर हरी मिर्चें। तो बस यहाँ पर था और अभी बच्चे वगैरह गए हुए थे स्कूल मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी, सफाई भी हो चुकी है और अब जो था मैं खाना बना रही थी। तो आज मैं बना रही थी आलू के चावल, मतलब आलू की तहरी। तो बच्चे जो थे सारे स्कूल चले गए क्योंकि उनके पेपर सबके ख़त्म हो गए, तो सबके अपनी टाइमिंग के मुताबिक स्कूल खुल गया और अब फाइनल पेपर्स की बस तैयारी शुरू होगी। तो देखिए अब कब तक होते हैं पेपर। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने सोलर सिस्टम लगाया था सारा भी ऐसे कैसे ही रखा हुआ, क्योंकि अभी ये लगाया नहीं, देखें आज लगता है या फिर कल। तो बुलाया तो है लगाने का इलेक्ट्रिक वाले को जब वो आएगा, तो जब काम होगा हमारा ये देखें कब तक होता है। और अभी जो था मैं यहाँ पर बेटी स्कूल कॉलेज नहीं गई, वो घर पर ही, तो अभी तैयारी वगैरह कर रही, क्योंकि अब पेपर्स एक साथ ही होंगे, मतलब ईद के बाद होंगे देखें रमज़ानों के, मैं तो शायद छोटी क्लासेस के हूँ 9-10 वालों के, और इनके सबके ईद के बाद होंगे। तो अभी आज तो मैं कपड़े धोने का सोच रही, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी आज ना, 2 दिन से तबीयत जो है बिल्कुल सेट नहीं है, क्योंकि नज़ला वगैरह हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, लग भी रहा है गर्मी भी लग गई और सर्दी भी लगी है, मतलब इस तरह का हो रहा है मौसम। तो अभी जो है मेरी तबीयत सेट नहीं थी, हमने कपड़े नहीं धोए, यहाँ से कपड़े भी नहीं उतारे क्योंकि हमारा जो था यहाँ सारा गेट बंद पड़ा हुआ, सामान रखा हुआ। तो अभी देखेंगे जब खुलेगा सारे कपड़े तय करके रखने, मुझे दिखाती हूँ। तो अभी बस देखिए यहाँ पर जो था चावल वगैरह मैंने पका लिए थे, खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे और यहाँ पर जो था अभी बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे थे। और अभी आपको दिखाती हूँ सोलर सिस्टम का, ये जो हमारा काम था हो चुका था। और ये जो प्लेटें लेकर आई थी ये देखिए, ये प्लेटें हैं और ये डबल प्लेटें, मतलब पहले अभी जो आप देखेंगे तो मतलब एक साइड ग्लासेस होता है, लेकिन हम जो लेकर आए थे ये डबल साइज ग्लासेस था, मतलब ऊपर भी था और नीचे के साइड भी था। तो अगर आप इसे 150 पावर का लेंगे तो इसमें जो है वही आपको मिलेगा जो मतलब 190 का मिल रहा है, तो इसमें मतलब इतनी है। तो ये देखिए मैं आपको इसका बैक साइड भी दिखा रही थी यहाँ से, तो मतलब बहुत अच्छा था। और ये देखिए यहाँ पर जितनी भी मैंने करवाई थी ये सारी फिटिंग्स वगैरह वो मैं आपको चेक कराती। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया था बल्ब, एक दूसरा बल्ब यहाँ पर है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई थी। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पर फ़ैन का मैंने लगाया था, तो ये जितना भी आपको देख रहे होंगे चल रहा है ये सारा, तो ये सारा जो है सोलर सिस्टम से ही चल रहा है। तो एक बल्ब मैंने किचन में लगाया और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर, और इसके अलावा एक कमरे में मैंने लगाया, लेकिन मैंने आगे वाले कमरे में 2 लगा दिए थे क्योंकि थोड़ी रोशनी कम लग रही थी। और ये भी जो चल रहे हैं सारे सोलर सिस्टम से ही चल रहे हैं। और एक वॉशरूम में मैंने लगाया, तो इस तरीके से हमारे जो थे 5 बल्ब लग गए, 2 फ़ैन लग गए, तो मतलब काफ़ी आधा जो है हमारा हिसाब के ख़त्म हो गया था। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मैंने कंट्रोलर रही है यहाँ पर, और नीचे जो है बैटरी रखी हुई है ये देखिए, तो इस बैटरी से चलेगा शाम में और रात में जो है वो अपना सोलर सिस्टम से ही काम करेगा। तो मीटर जो है बिल्कुल हाफ हो जाएगा हमारा मतलब। तो अभी यहाँ पर मैं आज जो बना रही थी पालक, दाल पालक, तो यहाँ पर मैंने अभी इसको चढ़ा दिया था, तो अभी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मेरी आज की थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट करी थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।